डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इससे तुमने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम्हें उससे ज्यादा मिल चुका है। हमें बात कर रहा हूँ सारे टीवी स्पॉट्स और फालतू के टीजर्स के बारे में, जिन्हें अवॉइड करना मतलब गॉथम को एंटी करप्ट करने जैसा है। अब डेफिनेटली मूवी का टीजर, ट्रेलर और कुछ टीवी स्पॉट्स देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ चीजें पैदा हुई हैं जो मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ, ताकि तुम्हें थिएटर्स में दिक्कत ना हो व्हाइल वॉचिंग द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब देखो, फर्स्ट चीज जो तुम जानते ही हो वो है वेरिएंट्स का खेल, जहां मूवी में अपने डॉक्टर साहब और वांडा के कई वेरिएंट्स होने वाले हैं। वहीं पे हो सकता है कि वॉन्ग के भी हों या किसी और कैरेक्टर के हों। अपना टॉम क्रूज वाला आयरन मैन अगर आया तो वो भी डेफिनेटली आयरन मैन का एक वेरिएंट है, और ये फायर जैसी दिखने वाली कैरेक्टर अपनी कैप्टन मार्वल की एक वेरिएंट है, जो अब एक टीवी स्पॉट के थ्रू कंफर्म कर दिया गया है। इवन इल्यूमिनाटी भी एक टीवी स्पॉट के थ्रू कंफर्म कर दी गई है, और उसके भी सारे मेंबर्स अपने एमसीयू के अलग अलग कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स ही होने वाले हैं। और एक अनदर टीवी स्पॉट के थ्रू कैप्टन कार्टर की भी कंफर्मेशन हो गई है, जिसे कई लोग कैप्टन ब्रिटेन समझ रहे हैं, जो वो हो भी सकता है। इसलिए कोई मेजर कैरेक्टर अगर कोई और बंदा प्ले करता हुआ दिख जाए तो घबराना मत, वो डेफिनेटली कोई वेरिएंट ही होगा। अब देखो, बाकी वेरिएंट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर साहब और वांडा के वेरिएंट्स डेफिनेटली मूवी में मेजर रोल्स प्ले करने वाले हैं। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के तो वेरिएंट्स को हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, मतलब डिफेंडर स्ट्रेंज एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज। इसके अलावा फंको पॉप फिगर्स के थ्रू खबर उड़ चुकी है कि मूवी में सुप्रीम स्ट्रेंज भी हैं, जो व्हाट इफ वाले हरामी स्ट्रेंज हो सकते हैं। फिर इसके बाद मूवी में अमेरिका शैवेस है, जो मैं हजारों बार बता चुका हूँ चैनल पे, कि ये एक लेस्बियन है, यूनिवर्स और टाइम के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करने वाली एक रेल्म से आई है। पंच मार के स्टारशेप के पोर्टल्स खोल सकती है, जिनसे ये इंटर डायमेंशनली ट्रैवल करती है। और मूवी में भी डॉक्टर साहब और खुद शैवेस ट्रैवल करेंगे अलग अलग यूनिवर्सेज में, और प्रोबेबली उनके ऐसी हरकतों की वजह से उन दोनों को दबोच लेंगे इल्यूमिनाटी वाले, जो एमसीयू में प्रोबेबली कॉमिक्स से डिफरेंट होंगे, क्योंकि कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी कुछ समझदार और इंटेलिजेंट सुपर हीरोज का एक सीक्रेट ग्रुप है, जिसका पार्ट है आयरन मैन, खुद डॉक्टर साहब, चार्ल्स एक्सेवियर, ब्लैक बोल्ट, नेमोर, मिस्टर फैंटास्टिक और तचाला आता जाता रहता है। और ये लोग अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रोबेबली इल्यूमिनाटी एक स्पेसिफिक प्लैनेट नहीं, बल्कि हो सकता है मल्टीवर्स में होने वाले खिलवाड़ को संभालते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स के अर्थ से हो, जहां जाके डॉक्टर साहब ने चीजें बिगाड़ी हो और उन्हें पकड़ा गया हो। फिर इसके बाद इल्यूमिनाटी में दिखने वाले चार्ल्स एक्सेवियर ये कन्फर्म कर देते हैं कि एक्समैन भी आ चुके हैं, और अगर इसी ग्रुप में रीड रिचर्ड्स भी आके फैंटास्टिक फोर के प्लॉट को सेटअप कर दे तो और पैसा वसूल। फिर बड़े वांडा पे, जो मुझे लगता है मूवी की मेन विलन है, तो उसके ऐसे खतरनाक कारनामों का रीजन हो सकता है उसके बच्चे, जिन्हें वो डेस्परेटली पाना चाहती है। और कुछ दिन पहले आने वाले एक टीवी स्पॉट में अपन लोगों को पता चला कि मूवी में बिली और टॉमी, मतलब वांडा के बच्चे भी हैं, और इसके पीछे वांडा का वॉइस ओवर है कि रोज वही सेम नाइटमेयर। अब जहां तक मुझे लगता है तो ये नाइटमेयर्स प्रोबेबली वांडा को डार्क होल की वजह से आ रहे हैं, जो वैसे ही वांडा को कॉन्स्टेंटली करप्ट करती जा रही है। और ये चीज तुम वांडा के सूट को देख के बता सकते हो कि कैसे अब वांडा ऑलमोस्ट करप्ट हो चुकी है। फिर वांडा को अपने बच्चों के सपने दिखा के डार्क होल्ड हो सकता है वांडा को कमजोर करना चाहती हो, ताकि वांडा पे चथौन कंट्रोल कर ले, जिसने कॉमिक्स में डार्क होल्ड लिखी थी और कॉमिक्स में वांडा को टेक ओवर भी कर चुका एक बार, तो क्या पता मूवी में चथौन आ ही जाए। फिर मूवी में डेफिनेटली कई क्रिएचर्स होने वाले हैं, जिसमें से शुमा गुरात को हमने देख लिया है, फिर एक ये क्रिएचर जो कौन है अभी नहीं पता, फिर ये चथौन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स हो सकते हैं वांडा ने कंजोर किए हों, और देन ये एक मिनट और है, जिसका नाम एक्चुअली में रिंट्रा है, और कॉमिक्स में जब डॉक्टर साहब का क्लोक ऑफ लिमिटेशन मूवी की तरह ही फट गया था तो रिंट्रा ने उसको ठीक करवाने में हेल्प करी थी, तो हो सकता है कि मूवी में भी ये इसी के लिए यहाँ आया। फिर मूवी में डॉक्टर साहब और अमेरिका शैवेस कई सारे यूनिवर्सेस में भी जाएंगे, जिसमें से दो की कन्फर्मेशन हो चुकी है, जिसमें से पहला है सैवेज लैंड, जहाँ पे तुम कई डायनासोर्स को भी देख सकते हो, और कॉमिक्स में कई फाइट्स यहाँ टेक प्लेस कर चुकी हैं। बाकी यहीं पे तुम दोनों को एक एनिमेटेड डायमेंशन में एंटर करते हुए देख सकते हो, जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर देता है कैरेक्टर्स को कॉमिक्स, एनिमेटेड मूवीज और टीवी शोज से एमसीयू में लाने की। तो इसके लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सोचो, अगर टीवी स्पॉट्स में मार्वल वालों ने अभी तक इतना सब कुछ रिवील कर दिया है तो मूवी में कितना कुछ भरा होगा उन्होंने। तो इसीलिए एकदम हाइप्ड अप रहो मूवी के लिए, और इसी हाइप में अगर तुम्हें यह जानना है कि एक्समैन एमसीयू में कैसे आ सकते हैं तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, और मैं तुमसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, लेट द मल्टीवर्स टॉक।